एक बार मैं बोलूंगी, फिर बीच में, फिर आगे बोलते रहो, शांति शांति शाम हो जाएगी। 10 मिनट शांति भी खुद खड़ी है, शांति खुद खड़ी है। हेलो, सच्चे दरबार की कथा ध्यान से सुने। 5 दिन से इतनी मेहनत तपस्या कर रहे हो, अभी जब भगवान का जन्म हुआ, दर्शन होंगे, तो अब जो है ये बच्चा बहन जी कृष्णा को दे दे। वह यशोदा मैया के रूप में बुढ़ापे में हुआ था कृष्ण भगवान, तो यशोदा मैया अपने बच्चे को संभालेंगी। और शंकर भगवान को जब पता लगा कि गोकुल में कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका, तो क्यों ना विष्णु भगवान का मैं दर्शन करने जाऊं, सुनीता बैठ जाए कि मैं भी दर्शन करने जाऊं भगवान का। तो बाल रूप में शंकर भगवान दर्शन करने आए, और देखो अभी यशोदा मैया दर्शन करने देंगी या नहीं करने देंगी, क्योंकि जैसे ही जन्म हुआ तो मथुरा से कभी पूतना रही है। जब शांत हो जाए, बात खत्म हो जाए, तो बता देना, बोलना शुरू कर देंगे। भाई सभी भक्तों से हाथ जोड़ के बुलाता है, शांति बनाए रखो, शोर मत करो, और बोलने वाले भी चुप रहे, जो बता रहे हैं वे भी शांत रहे। शंकर भगवान जब आए के क्यों ना मैं गोकुल में जाके और भगवान के दर्शन का आनंद लूं, तो शंकर भगवान का रूप तो आप जानते ही हैं, जैसे भी हैं बेचारे, जो भी अपना लटा जटा खिंडा के जैसे भी हैं, लेकिन यशोदा और नंद बाबा गोकुल के सभी जो है गोपियां गोप ग्वाले डरे हुए थे, क्योंकि कंस क्या है ये, आपको शांति को नहीं रखते, क्या चाहिए, शांत हो जाओ बेटा। तो जो है गोप ग्वालों को बड़ा डर हो गया कि मथुरा से कभी पूतना आ रही है, कभी कोई आ रहा है। तो जो है शंकर भगवान ने सोचा कि मैं तो बाल रूप में ही दर्शन करूं। जैसे ही शंकर भगवान आए, यशोदा मैया के पास 2-4 औरतें भागे आई, कोई और भी मोटे के भेष में आ रहा है, भिखारी के भेष में, पता नहीं कौन है। जब तक वो आई रही थी, शंकर भगवान को कौन सा पैदल चलना था, वो तो एकदम गेट के सामने प्रकट हो गए, कहने लगे अलख निरंजन, अलख निरंजन, हरि ओम नमो शिवाय। बोलो, हम बोलो, जोर जोर से बोलो, हरि ओम नमो शिवाय, जो हम नमो